हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डी टू आर स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। जी हाँ दोस्तों, मैं मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करूँगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th एंड 12th दोनों में 5 मार्क का सवाल आता है, बोल देता है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। अब देखिएगा प्रीवियस ईयर का सवाल उसमें रहेगा, ठीक है। तो इसको बताऊंगा क्या क्या पार्ट्स है, सबका क्या कार्य होता है, कहाँ पे पार्ट्स उसका क्या करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैसे सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। तो इसको समझना है, क्लियर करना है, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ वीडियो सीखेगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसको देखना। तो पहले दोस्तों आपको यदि एग्जाम में वर्णन करना है ना, तब रटिएगा नहीं, रट गए तो भी याद लिखाएंगे ही नहीं, तो आपको दिमाग में फिगर याद आना चाहिए। और फिगर के याद आने तो साथ साथ उसमें आपको नाम भी याद आना चाहिए कि उस पार्ट्स को क्या कहते हैं, फिर उसके बाद अपना लिख दीजिएगा मिला जुला कर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखना हम लोग रहता है सचित्र वर्णन, यानी कि बड़ा में लिखना रहता है। तो देखिए पहले हम इसका देखेंगे पार्ट्स का नाम, क्या क्या पार्ट्स का क्या क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए फिर उसको मैं लिखा दूंगा बोर्ड पर, आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। देखिए जिस तरह से मैंने इसके पहले एक नर जनन तंत्र का बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है। उसमें जैसे उस तरह से इसमें देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ऊपर से शुरुआत करेंगे, ठीक है, ऊपर से फिर नीचे आएंगे, ठीक है। तो ऊपर दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्लू वाला दो को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं फिगर में हमेशा कलर इसलिए करता हूँ ताकि बच्चों को याद रहे वो ब्लू वाला इस ये था, रेड वाला ये था, इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में चूंकि रंगीन तो करना नहीं है, इसलिए मैं ब्लू वाला को समझा देता हूँ। तो यहाँ जो ब्लू वाला दो को देख रहे हैं, गोला का अंडा जैसा संरचना है, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अंडाशय। समझिएगा क्या कहते हैं, ये जो दो देख रहे हैं इस साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों है, उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दिमाग में अंडाशय। अब अंडाशय कितना होता है, दो होता है कि चार, दो होता है, ये ऑब्जेक्टिव ऐसे सवाल आ जाएगा, बोल देगा कि मादा में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है, दो होता है, ये किधर एक इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं ब्लू वाला को। इसको थोड़ा सा ऊपर जाइए तो ऊपर जाइएगा दोस्तों तो जा सकते, यहाँ पे एक नली आया है, ऐसे गया है, यहाँ से एक नली आया, वही नली आके नीचे फैल गया है, ठीक है, तो एक बड़ा सा जगह बना दिया। तो ये जो यहाँ नली है और एक यहाँ भी नली है, ये तो नली को पता क्या बोलते हैं, इस नली को दोस्तों हम लोग बोलते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब्स या अंडवाहिका, इसी को बोलते हैं, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका, बात को समझ में आ रहा है। सो क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारा नाम है, फैलोपियन नलिका बोल सकते हैं, या अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब्स बोल सकते हैं, या हिंदी में अंडवाहिका बोल सकते हैं, ठीक है, अंडवाहिनी। ये तो फैलोपियन ट्यूब्स है, यहाँ तो इसी तरह देखिए फैलोपियन जो नलिका जो है ना, ये इधर नीचे आके बड़ा सा जगह बना दिया, ठीक है। जो बड़ा सा तो जगह बना है ना, इसी को तो हम बोलते हैं गर्भाशय, क्या बोलते हैं इसको, गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, गर्भाशय हो गया, उसके ऊपर क्या था, फैलोपियन ट्यूब्स था। देखिए गर्भाशय का जो निर्माण फैलोपियन ट्यूब्स ही होता है, ये क्या करता है, इधर से आता दोनों बढ़ के मिल जाता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ गर्भाशय बनता है, ठीक है। गर्भाशय में दोस्तों क्या होता है ना, भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण यहाँ पे रहता है, ठीक है। जो कि अंडाशय में जाने लगे, अंडाशय में क्या होगा, अंडाशय में क्या रहता है पता है, अंडाशय में अंडाणु रहता है, ओवम रहता है, ठीक है, अंडाशय में अंडाणु रहता है। तो अंडाणु यहाँ से फैलोपियन नलिका में जाता है, फिर गर्भाशय में आता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु से दोनों संलयन करता है, फिर आपको भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर बच्चा का निर्माण। तो ये तो हो गया, छोड़िए बता, गर्भाशय ये बन गया, गर्भाशय इसको बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाए, दोस्तों रेड वाला देखा दोस्तों, ये वाला आपका दोस्तों यहाँ पे ये जो बाहर देखा, इसको दोस्तों बोलते हैं परी गर्भाशय, ठीक है। और यहाँ दोस्तों देख रहे हैं ना, इसको दोस्तों बोलते हैं अंतर पेशी स्तर, ठीक है। ये जब शिशु का जब विकास होता है तो विकास होने लगता है, तो भी क्या होता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। इसमें से आप देखो यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो रेड वाला दुगन है, यही गर्भाशय है, इसके बीच में रहता है, ठीक है। अंतः पेशी स्तर हो गया, इसमें रहता है मेजोडर्म, ऐसे कुछ इसमें रहता है टर्म टर्म टाइप, ठीक है। इसमें तीन स्तर रहता है, ठीक है, बाहर वाला परी गर्भाशय, अंदर वाला अंतः पेशी स्तर हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो नीचे आने का दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रीवा इसको बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे हम लोग आते हैं, ठीक है, नीचे जहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जहाँ पे गर्भाशय और यहाँ पे एक योनि होता है, ठीक है, ये योनि होता है, ये जो मिलेगा ना, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है। ये आपको हो गया,
इसके दोस्तों बाहर जो ये जो क्या होता है ना, योनि जो होता है बाहर शरीर के बाहर, वो दोस्तों एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकल, उसको बलवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलवा। ठीक है, बलवा या इसको भाग भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो भाग या बलवा के द्वारा बाहर ये छिद्र जो होता है योनि बाहर निकलता है, और ये आपका ये योनि हो गया, यहाँ पे ग्रीवा हो गया, ठीक है, सर्विक्स भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपका गर्भाशय हो गया। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यही पे दोस्तों प्लेसेंटा का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्लेसेंटा। मैं बताता हूँ क्या होता है प्लेसेंटा। देखिए, जब दोस्तों यहाँ जो योनि हो गया, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ना, आपका क्या बोल सकते हैं, शिश्न। शिश्न दोस्तों योनि के माध्यम से इसमें अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, जिससे क्या क्या होता है उसमें, जो शिश्न के माध्यम से क्या होता है, आपका शुक्राणु स्खलित होता है, वीर्य इसमें जाता है, शुक्राणु इसमें दौड़ते यहाँ पे जाता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाता है यहाँ पे, और यहाँ से अंडाणु निकलता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, और यहाँ पे शुक्राणु निकलता है, शुक्राणु अंडाणु यहाँ पे क्या होता है, संलयित होता है। संलयित का मतलब यहाँ पे निषेचन होता है। निषेचन होता है तो क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, वो संलयन होने के बाद वो जो अंडाणु और शुक्राणु मिल के युग्मनज का निर्माण करता है, और वही युग्मनज क्या होता है ना, डेवलप होके वो भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण का मतलब इम्ब्रियो, और वही भ्रूण क्या होता है ना, यहाँ पे आपको लग जाता है भ्रूण, यहीं पे लग जाता है, और यहीं पे लग के क्या होता है ना, वो धीरे 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 विकसित होने लगता है, और वही वहां पे क्या होता है, शिशु का निर्माण करता है। वही शिशु क्या होता है ना, प्रसव के दौरान क्या होता है, बाहर निकल जाता है योनि के माध्यम से। अब बताता हूँ दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे भ्रूण आता है ना, तो यहाँ पे चूंकि जो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो भ्रूण आता है तो क्या होता है, मदर के जो रक्त से होता है ना, रक्त ब्लड से, अब आप जानते हो कि जो भ्रूण बन रहा होगा या शिशु विकसित हो रहा होगा, तो उसको तो कुछ एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, कुछ उसका बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, हार्ट बनते हैं, फेफड़ा बनता है, बाहर का परत बनता है, आँख बनता है, तो उसको बनने के लिए तो एनर्जी चाहिए, कुछ प्रोटीन ग्लूकोज वगैरह चाहिए ना। तो क्या होता है ना, उसके मदर से, उसके माता के क्या होता है, रक्त से उसको मिलता है, माता के, उनके माता से क्या होता है, भ्रूण के माता से ब्लड के माध्यम से इसमें कुछ खनिज पदार्थ आता है, ग्लूकोज आता है, ठीक है, और कुछ जब जो भ्रूण के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो फिर वही उसके माता के ब्लड में छोड़ दिया जाता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से विकास की क्रिया अंदर संपन्न होती है, ठीक है, गर्भाशय में, भ्रूण में। तो भ्रूण कैसे विषय समझ रहे हैं, ये प्लेसेंटा के माध्यम से, यही पे क्या होता है ना, भ्रूण लगा होता है, वही भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर 9 महीना होते होते अपना क्या होता है, वो बड़ा विकसित हो जाता है, और फिर वही आपका क्या करता है, एक शिशु का निर्माण करता है। तो भ्रूण का विकास प्लेसेंटा के जगह पर होता है, जहां पर विकास उसी को प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों हो गया, मैंने लिखा दिया, समझा दिया, अब मैं इसको लिखाऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखाना पड़ेगा। पार्ट्स का नाम याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में क्या हो सकता है, अंडाशय का वहां पे निषेचन होता है, अंडाशय वहां पे निषेचित होता है फैलोपियन ट्यूब्स में, वही फैलोपियन ट्यूब्स, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स आकर यहाँ पे क्या करता है, गर्भाशय का निर्माण करता है, फिर गर्भाशय नीचे आता है, कहीं ग्रीवा बनता है, ग्रीवा के नीचे क्या होता है, योनि होता है, जिसके बाहर शिशु क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है, और इसी में क्या होता है, योनि के माध्यम से शिशु अंदर प्रवेश करता है, फिर जिसे स्खलित होता है शुक्राणु, फिर शुक्राणु निषेचन करेगा अंडाणु से, फिर वही विकसित होकर भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से फिर शिशु बनेगा। तो यही आपका पूरा प्रोसेस होता है। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना दोस्तों, उसमें कोई ज्यादा पार्ट्स नहीं है, आपको मेन मेल प्रोडक्टिव पार्ट्स में ज्यादा है, पार्ट को नियम याद करना रहता है, इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें बस समझ आइए तब बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, हो गया ना, चलिए मैं इसको लिखा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, चलिए मैं लिखूँ दोस्तों, मादा जनन अंग में निम्न संरचनाएं पाई जाती है, मादा जनन अंग में क्या, निम्न संरचनाएं पाई जाती है, तो सबसे पहले इसमें पार्ट्स का नाम लिखे, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं दोस्तों, अंडाशय, क्या लिखेंगे दोस्तों, यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है, जहां क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे अंडाणु का निर्माण होता है, जहां अंडाणु का निर्माण होता है, बात समझे, कहाँ पर अंडाणु का निर्माण, तो अंडाशय में होता है, ठीक है। अंडाशय कितने होते हैं, दो होते हैं, इधर एक लेफ्ट राइट, ठीक है। अंडाशय के बाद क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन नलिका, क्या था,
फैलोपियन नलिका, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फैलोपियन नलिका क्या होता है दोस्तों, बोल सकते हैं यह एक पतला एक यह एक लंबा नली जैसा संरचना होता है जो क्या बोल सकते हैं जो अंडाशय के ऊपर जो अंडाशय से शुरू होकर क्या गर्भाशय बोल सकते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ के बीच ये अंडाशय और गर्भाशय के बीच में है ना नलिका, यहाँ और यहाँ के बीच इतनी तक है ना, तो क्या बोलेंगे दोस्तों यह अंडाशय तथा गर्भाशय के बीच नली युक्त संरचना होता है जिसमें ठीक है जिसमें क्या लिख सकते हैं दोस्तों अंडाणु का निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें अंडाणु के निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये सब आपका पार्ट्स का नाम हो गया। देखिए अभी एग्जाम में बस अच्छा से फिगर बना दीजिएगा और पार्ट्स को नाम लिख दीजिएगा और थोड़ा बहुत उसका वर्णन करिए तो आपको आराम से नंबर मिल जाएगा, कोई जोखिम वाला बात नहीं है। फैलोपियन नलिका हो गया ठीक है, ये तो दिक्कत कोई नहीं। अब यहाँ आता तो दोस्तों क्या था, गर्भाशय आता ठीक है, गर्भाशय का बात आता, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, यह एक थैली जैसा संरचना होता है, यह एक थैली जैसा उल्टा नाशपाती के आकार का, यह एक थैली जैसा उल्टा नाशपाती के आकार का संरचना होता है जहाँ पे दोस्तों भ्रूण का विकास होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको भी, आपको एकदम अच्छा नंबर मिलेगा ठीक है। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यह थैली नुमा उल्टे नाशपाती के आकार का संरचना होता है ठीक है, संरचना होता है जहां भ्रूण यानी बोल सकते इम्ब्रियो, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं इम्ब्रियो होता है, भ्रूण का विकास होता है ठीक है। भ्रूण का विकास कहाँ हो गया आपने, गर्भाशय में ठीक है, ये तो आपको भ्रूण का विकास हो गया। यहाँ पे सबका पार्ट्स का नाम लिख देता हूँ, भ्रूण का विकास होता है, ये तो हमारा हो गया दोस्तों काम, इसका भी हो गया पार्ट्स का नाम। अब क्या जो तुम्हारा आता है यहाँ पे आता है ग्रीवा ठीक है, यहाँ पे क्या दोस्तों लास्ट हमारा आ जाएगा, लास्ट नहीं एक और बचा हुआ ठीक है ग्रीवा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोलेंगे, ग्रीवा दोस्तों क्या है, गर्भाशय सबसे नीचे है ना और संकरा भाग है, संकरा के बीच में सघन है, जगह कम है ठीक है, यहाँ पे बोल सकते क्या बोल सकते ग्रीवा गर्भाशय, ऐसा फिगर के हिसाब से लिख दीजिएगा ठीक है, कोई अलग बात नहीं, गर्भाशय के नीचे संकरे भाग, गर्भाशय के नीचे संकरे भाग जहां ग्रीवा जहां क्या बोल सकते हो दोस्तों, जहां गर्भाशय यहां पे हो जाएगा तथा योनि मिलते हैं, क्या कहता है ग्रीवा कहता है, इसको अंग्रेजी तो सर्विक्स बोलते हैं, क्या होता है सर्विक्स बोलते हैं, ग्रीवा काला था अंग्रेजी में क्या सर्विक्स बोलते हैं। ये दोस्तों ग्रीवा का काम हो गया, चौथा हो गया, पांचवा दोस्तों हमारा आ जाएगा लास्ट योनि, ये आ जाएगा ठीक है दोस्तों। यहाँ पे योनि क्या बोलेंगे दोस्तों, यह एक क्या बोल सकते हैं, यह एक संकुचनशील क्या होता है, यह एक संकुचनशील नली संरचना होता है ठीक है, जो यहाँ पे क्या बोल सकते जहाँ जिससे इसमें शिश्न का प्रवेश होता है और यह एक बाहर एक छिद्र की तरह खुलता है जिसे हम लोग बल्बा बोलते हैं ठीक, बस खत्म हो गया ठीक है। क्या बोलते यह एक संकुचनशील मांसपेशियों वाली नलीयुक्त संरचना होती है ठीक है, कैसा होता है नलीयुक्त संरचना होता है, कैसा होता है संकुचनशील मांसपेशियों वाली संरचना होता है जहां ये बोल सकते जिसमें शिश्न का प्रवेश होता है तथा बोल सकते क्या होता है तथा यह एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है ठीक है,
चिलगोजा शरीर से बाहर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, वलवा। इसे वलवा या वग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और शिशु जो होता है, शिशु जो होता है बाहर किसी के द्वारा निकलता है, योनि के माध्यम से। तो जस्ट जैसे आपका अंडाशय, फेलोपियन नलिका, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, सारा मैं बता दिया हूँ फिगर के हिसाब से। तो देखिए मैं बता दूं, अपना ओपिनियन बता दूं, एग्जाम में आएगा ना, आपको आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है। नर जनन तंत्र आएगा, मादा जनन तंत्र आएगा, पाचन तंत्र, इसमें सब आता है, जो मैं आपको वीडियो डाल दिया ऑलरेडी। यदि नहीं देखे तो वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर, बायोलॉजी में देख सकते हैं, ठीक है, सारा डाला गया। तो एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मादा जनन में नीम संरचनाएं पाई जाती है, फिगर आपको पारा रहेगा। अब पारा फिगर पारिएगा नहीं, उसे पारने के साथ उसमें नाम भी आपको दर्शाना पड़ेगा, सिर्फ पार के चले तो हो जाएगा नहीं, नाम दे, प्लेसेंटा यहाँ पे है, गर्भाशय यहाँ पे, ग्रीवा, योनि, बलवा, अंतःपेशीय स्तर, बाहर वाला परि, गर्भाशय आ गया, ये अंडाशय आ गया, दो ब्लू वाला, फिर फैलोपियन नलिका आ गया, ठीक है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि पाँच नंबर ऐसे नहीं मिलेगा। लिखेगा और इतना आप लिख दीजिएगा ना तो पक्का नंबर दे देगा, क्योंकि वहाँ पर समझ जाएगा कि आप नॉलेज है, ठीक है। जिस तरह से लिखेगा तो आप नंबर मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव सवाल लाएगा तो कहाँ से आता है, इसी से आता है ना, ठीक है। बोलेगा कि अंडाणु का निषेचन कहाँ संपन्न होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, इससे बात बता सकते हैं ना। ये आपका गर्भाशय वाला हो जाएगा, फिर प्लेसेंटा है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, भ्रूण का विकास, वो ऐसे बोलेगा जिस स्थान पर भ्रूण का विकास होता है उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। इस सवाल आपको सवाल एग्जाम में आएगा तो क्या नहीं बना पाइएगा, बना दीजिएगा आराम से। तो यही सवाल रहेगा, तो मैं आपको दस सवाल बड़ा बता दिया हूँ इस वीडियो में, पूरा समझा दिया हूँ। तो जो बच्चे अंत तक देखेंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज तक बस इतना ही। वीडियो हमारा आज का कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा, कुछ सीखे ना, समझे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप सामने पहले पहुँचते रहे। और साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा, ताकि जितने लेटेस्ट वीडियो होंगे आप सामने पहले पहुँचते रहेंगे। और दोस्तों मैं अंत में ही कहूँगा कि इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट के साथ, ताकि शेयर करिए, ताकि आपको जो बैचमेंट्स हैं साथ में पढ़ते हैं उस बारे में नहीं जानते हैं, उनसे एक्सप्लेन नहीं होता, फिगर नहीं पड़ता, तो उस बारे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।